उड़ीसा के कंधमाल जिले में दारिंगबाड़ी ब्लॉक और इसमें एक छोटा सा गांव डाहू, जिसमें एक बहुत ही गरीब परिवार में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। माता पिता ने बड़े शौक से उसका नाम दिया नुआरी, लेकिन छोटी सी उम्र में बच्ची क्रमशः माँ और पिता को खोकर अनाथ हो जाती है। कुछ दिनों तक तो कुछ आवाजें सुन भी लेती थी और कुछ अस्पष्ट बोल भी लेती थी, लेकिन क्रमशः उसने बोलने और सुनने की क्षमता को पूरी तरह से गंवा दिया। परिवार पर लगभग बोझ सी बन गई थी, इसीलिए एक रिश्तेदार उसे लेकर आते हैं और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत एक संस्था में उसका दाखिला करवा देते हैं। फिर क्या था, बच्ची स्वाभिमानी थी, आत्मनिर्भर बनने का सपना देखने लगी, सिलाई की मशीन चलाना सीखती है और धीरे धीरे उसका सपना भी उसके साथ बड़ा होने लगता है। उड़ीसा के कंधमाल जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर दारिंगबाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत हाथीमुंडा पंचायत एवं पंचायत का एक छोटा सा गांव डाहू, बड़े पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा डाहू गांव एक सामान्य सा आदिवासी गांव है और जिसमें नुआरी रहती है। एक साधारण से मिट्टी की दीवारों से बने घर में जिसकी छत लगभग किसी भी वक्त ढह सकती है। ये संपूर्ण अंचल आधुनिकता की पदचाप से कोसों दूर है। ऐसे वातावरण में जन्मी पली असहाय बच्ची नुआरी का एकमात्र सहारा थी उसकी बहन फूलबती। देड़ीटा बापा माँ छोटो बेड़े चली की गोले आमे केमती बंचीबू केमती करिबू ये बेड़ीटा बुद्धि नहीं सुधि नहीं बोले आमे चिंता करुतिलु। गांव में पढ़ने लिखने